ऑलरेडी पास हो चुका है और उस पर निर्भर हो सकता है। 2024 में एक नया आयन लाकर, एक नया कानून लाकर वो कांग्रेस कर सकती है, राहुल गांधी कर सकते हैं, नसीम खान कर सकते हैं, मुख्तार कर सकता है। ममता बनर्जी की औकात नहीं है, फराज हकीम की औकात नहीं है कि वो सीए को रोक सके, एनआरसी को रोक सके, क्योंकि राज्य आपकी औकात क्या भगवान तक है, भगवान तक, और हम पूरे भारत में है। आज बीजेपी से कौन लड़ रहा है भारत के अंदर में? ममता बनर्जी लड़ रही है, टीएमसी लड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जवाब दीजिए, पूरे भारत में आज भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कौन लड़ रहा है? एक पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम पूरे भारत में लड़ रहे हैं। आज हमें कहा जाता है कि हम बीजेपी की बीटी है, हमें कहा जाता है, बड़ा अफसोस होता है। कांग्रेस को ममता बनर्जी, टीएमसी के लोग मुस्लिम इलाके में जाकर कह रहे कि बीजेपी की बीटी है कांग्रेस, बीजेपी की बीटी है। सिक्का उठा लिए, सिक्का में दो साइड होता है, लेकिन ये एक ऐसा सिक्का है जिसको अमिताभ बच्चन ने 1972 में उछाला था, शोले फिल्म में दोनों साइड एक ही इमारत का था। आज बीजेपी और टीएमसी सेम वही पोजीशन है, दोनों तरफ इधर भी फूल उधर भी फूल, बीजेपी और टीएमसी में कोई अंतर नहीं। इसलिए जो काम बीजेपी करती है वही काम कांग्रेस करती है। 10 साल सरकार चलाया लेकिन 10 साल के अंदर में उनकी सरकारी जवान का दर्जा नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल वादा आपने किया था, हम उस टाइम आपको सपोर्ट दिए, सोनिया गांधी ने पैसे दिए आपको, इलेक्शन लड़ने की ताकत नहीं थी आपकी, हेलीकॉप्टर हमने दिया, सब कुछ तो हमने दिया, आप सरकार में आए, उर्दू को दूसरी सरकारी जवान देने का वादा किया, आपने पूरा किया नहीं किया। 10,000 मदरसा आपको देना था, आपने वादा किया था, ममता बनर्जी ने वादा किया था, बॉबी हकीम ने वादा किया था, क्या 10,000 मदरसा आपने दिया? एक मदरसा आप बता दीजिए पूरे मकरी बंगाल के अंदर में कि एक का रजिस्ट्रेशन ममता बनर्जी ने दिया? नहीं दिया। लेकिन माउंटिस के इलाके में आके झूठ बोलने का काम करते हैं, क्योंकि मोदी झूठ बोलता है, अमित शाह झूठ बोलता है, इसलिए दीदी भी झूठ बोलती है, इसलिए फराज हकीम भी झूठ बोलता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हमारा पोस्टर पहला होर्डिंग 78 नंबर वार्ड में फेंका जा रहा है, आज हमने नया बैनर लगाया था रामनगर मोड़ से, वहां पर मुख्तार का बैनर में अधीर रंजन चौधरी के बैनर में ब्लेक मार दिया गया। किसने मरवाया, कौन डर रहा है मुख्तार के नाम से? कौन डर रहा है इतनी डर मुख्तार से? 10 साल का मिनिस्टर जो 10 साल मिनिस्टर रहा कई पदों पे, मेरा रहा के बच्चा का, आज मुख्तार के नाम से ब्लेक, ये डर की निशानी है। और 26 तारीख को वोट का आवाम ये डर को सही साबित करेगा और मुख्तार 26 अप्रैल को जीत के निकलेगा, बॉबी हकीम हार के जाएगा, ये जरूर बता सकता हूं। राहुल गांधी जिंदाबाद। पोस्टर फाड़ने से वोट नहीं मिलता, बैनर फाड़ने से वोट नहीं मिलता, अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए डेवलपमेंट करना चाहिए, लोगों को सहूलत देना चाहिए सरकार की तरफ से, लोगों को नौकरियों की जरूरत है, आज नौकरी नहीं है, लोगों को चाहिए आज रोटी, रोजी है दिया टीएमसी सरकार ने 10 साल में, एक का कारखाना खुलवाया किसी एक का? पूरे कलकत्ता शहर से लेकर पूरे बंगाल में, मैं जिस पोर्ट में रहता हूं इस पोर्ट में कम उमेश 110 कारखाने हैं, सबको बंद करवा दिया। सरकार को टीएमसी की है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं खुलवा देती कारखाने? आपने तो वादा किया था
कि बामफ्रंट में 34 साल में जितने कारखाने बन के हैं, मैं सरकार में आऊंगी तो मैं खुलवा दूंगी। क्यों नहीं खुलवाया? एक खुलवा देती, एक कारखाना खुलवा देती। पोर्ट का हाल भी वही है। बॉबी हकीम ने एक ब्रिज बनवाया, वो ब्रिज 500 करोड़ रुपए का। कहते हैं कि वो ब्रिज हमने 11-20 के लोगों के लिए बनवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सिकलाइन से जाते हो या घूम कर जाते हो? हमारा कुंडा ब्रिज से होकर जाते हो, बस में जाते हो तो किधर से खिलपुर जाते हो, ऑटो में जाते हो तो किधर से जाते हो? सिकलाइन से जाते हो, सिग्नेचर से जाते हो? हमारा कुंडा ब्रिज से तो नहीं जाते। उस अनाकुंडा ब्रिज को सिर्फ बॉबी हकीम ने अपने लिए बनवाया था कि जब मुझे 11-20 में एंट्री करना हो तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊं। 500 करोड़ रुपया खर्चा किया 11-20 के आवाम के लिए नहीं, खिदिरपुर को छोड़ने के लिए नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। और उस ब्रिज